नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट पास आ रही है, फैंस की एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है। 1 नवंबर को दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही सिंघम अगेन को लेकर लोगों में गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी। वहीं अब फिल्म की रिलीज से पहले ही सिंघम अगेन के मेकर्स की चांदी चांदी हो गई। दरअसल अजय देवगन की इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही करोड़ों का कारोबार कर लिया है। बताया जा रहा है कि फिल्म ने नॉन थिएट्रिकल रिलीज से पहले ही अपना आधा बजट वसूल लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रोहित शेट्टी ने सिंघम अगेन के जरिए करोड़ों की डील साइन की है। सिंघम अगेन ने रिलीज से पहले कमाए इतने करोड़। बता दें कि सिंघम अगेन का बजट 350 करोड़ रुपए है और इस फिल्म ने रिलीज से पहले 200 करोड़ की कमाई कर डाली है। दरअसल इस फिल्म के डिजिटल राइट्स अमेज़न प्राइम ने खरीद लिए हैं। बताया जा रहा है कि सिंघम अगेन ने डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिकल राइट्स बेचकर 200 करोड़ का कारोबार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपना बजट निकाल लिया है। बता दें कि रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी सिंघम अगेन एक कॉप यूनिवर्स फिल्म है। फिल्म में अजय देवगन अहम रोल में नजर आने वाले हैं। वहीं फिल्म में अजय के अपोजिट करीना कपूर खान नजर आएंगी। इसके अलावा फिल्म में सिम्बा यानी कि रणवीर सिंह भी दमदार रोल में नजर आएंगे। वहीं सूर्यवंशी अक्षय कुमार भी खास रोल निभाने वाले हैं। फिल्म में इनके अलावा दीपिका पादुकोण भी लेडी सिंघम अगेन के किरदार में नजर आने वाली है। फिल्म में इस बार टाइगर श्रॉफ भी धमाल मचाते नजर आएंगे। वहीं विलन के रोल में अर्जुन कपूर बेहद ही खूंखार अंदाज में दिखाई देंगे। फिल्म में बेहद ही लंबी चौड़ी स्टार कास्ट दिखाई देने वाली है। सिंघम अगेन के ट्रेलर ने मचाया धमाल। बता दें कि 7 अक्टूबर को सिंघम अगेन का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फैंस जिस तरह की उम्मीद कर रहे थे, फिल्म का ट्रेलर लोगों को उम्मीद से ज्यादा बेहतर लगा। ट्रेलर में रोहित शेट्टी ने रामायण का सरप्राइज भी दिया है। फिल्म का ट्रेलर लोगों को इतना पसंद आया कि नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। ट्रेलर को अब तक 29 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। फिल्म के ट्रेलर को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने जा रही है। बोल बोलैया 3 वर्सेस सिंघम अगेन। बता दें कि दिवाली के मौके पर रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन के साथ भूल भुलैया 3 भी रिलीज होने वाली है। दोनों ही फिल्मों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। सिंघम अगेन में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार और रणवीर सिंह भी अहम रोल में नजर आएंगे। वहीं भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी और विद्या बालन अहम रोल में नजर आएंगे। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि बॉक्स ऑफिस पर कार्तिक आर्यन और अजय देवगन में से कौन बाजी मारता है। वैसे आप किस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।